आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज जो रखे आपको A1। दिल्ली में नगर निगम चुनाव 2022 की घोषणा होने के बाद अब सभी पार्टियों की सीटें डिक्लेयर हो चुकी है और अब सभी पार्टियों के नेता चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। धीरपुर वार्ड नंबर 14 से भारतीय जनता पार्टी ने नीलम बुद्धिराजा को अपना प्रत्याशी घोषित किया। नीलम बुद्धिराजा सिंबल लेने के लिए पार्टी कार्यालय पहुंची। उसके बाद जब अपने वार्ड के कार्यालय पहुंची तो कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। नीलम बुद्धिराजा दो बार आदर्श नगर वार्ड से निगम पार्षद रह चुकी है और सिविल लाइन जोन की चेयरमैन भी रह चुकी है। उनके कार्यकाल की जनता सराहना करती है। इस खास मौके पर नीलम बुद्धिराजा ने इंडिया A1 न्यूज से खास बातचीत की। आप देख रहे हैं इंडिया A1 न्यूज और मैं हूं विनय सिंह। इस वक्त है हम धीरपुर वार्ड के वार्ड नंबर 14 में, जहां से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बार नीलम बुद्धिराजा जी को टिकट मिला है। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया A1 न्यूज में, और अब की बार बीजेपी ने आपको फिर से टिकट दिया है, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस मौके पर क्या कहेंगे आप? मैं अपने शीर्ष नेता का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और अपने कार्यकर्ताओं का जो इस समय सारे इकट्ठे हुए हुए हैं और जिनके सहयोग से, और मैं आगे काम करूंगी जो मैंने काम किए हैं पहले, आगे भी जो ऊपर से मुझे संदेश मिला है कि जो कार्यकर्ता हमारे हैं उनका सम्मान होगा सबका, सबके लिए हम काम करेंगे। और मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि एरिया कोई भी हो, पहले आदर्श नगर था अब धीरपुर है, लेकिन जब कार्यकर्ता एकजुट होकर जब खड़े हो जाते हैं तो जीत निश्चित होती है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। दो बार आप निगम पार्षद रही हैं आदर्श नगर की, एक बार फिर से पार्टी ने आपको धीरपुर से टिकट दिया है, तो क्या कहेंगी अपने धीरपुर की जनता को? मैं अपनी धीरपुर की जनता को यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से मैंने आदर्श नगर में दो बार पार्षद रहते हुए समाज के लिए समर्पित रही हूँ, और जो भी काम होते थे बढ़ चढ़ कर मैं लोगों के काम करती थी, वही विश्वास आज उन्होंने मुझे जताया कि नहीं मैडम आपको खड़ा होना चाहिए, तो मुझे उन्होंने खड़ा भी किया। उन लोगों ने खड़ा किया मुझे, मैं उन्हीं कार्यकर्ताओं का, मैं आदर्श टीम के अध्यक्ष हैं उमेश जी और नवीन त्यागी जी, जिनके सपोर्ट से मैं आज खड़ी हूँ, और सबका सहयोग मुझे मिल रहा है और सबके सहयोग से ही मैं जीतूंगी। और मन से कहना चाहूंगी कि बढ़ चढ़कर दिन हो या रात हो 24 घंटे रहूंगी इनके काम करने के लिए। पहले भी आपने सेवा की है और आदर्श नगर की जनता बखूबी जानती है इस बात को, धीरपुर की जनता भी बहुत उम्मीद लगाए बैठी है आपसे, तो क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस तरह से के आदर्श नगर के लिए समाज सेवा की है मैंने, बढ़ चढ़कर काम किया, उसी तरह धीरपुर की जनता के लिए, समाज के लिए बढ़ चढ़कर काम करूंगी, ये मैं विश्वास दिलाती हूँ। फिर से एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नीलम बुद्धिराजा के अपने क्षेत्र में जनता के बीच कार्यशैली को लेकर उनके पति सुरेंद्र बाबू बुद्धिराजा ने कहा। नीलम जी शुरू से समझो बोलचाल में मधुर भाषा, उनका गीत गाना भजन गाना, उससे उनकी शुरुआत होती है। पॉलिटिकल में आई, पॉलिटिकल में उनको तो दिलचस्पी सेवा करने की, उनके मन में एक सेवा भाव है, और जब भी कहती है मेरे को समझो राजनीति नहीं जीता, मेरे को सेवा करने का शौक है। और जब वो 10 साल पार्षद रही, उन्होंने गरीबों का और हर किसी का कार्य किए उन्हें, हालांकि मैं उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता था राजनीति में ज़्यादा, और वो इंटरेस्ट ज़्यादा लेती थी, और वो भर्ती की जिला अध्यक्ष भी रही, प्रदेश में रही, उसके बाद पार्षद रही, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन रही, हर जगह उसने कार्य किए, बहुत अच्छे कार्य किए, और कार्यकाल उसका आज पूरी वार्ड नंबर 14 जो पुराना वार्ड नंबर 14 में आज कितनी छवि है, लोग उनको याद करते हैं,
और फिर दोबारा वार्ड नंबर जीरपुर हमें मिला है, उसमें हमें जापुर गांव मिला है, जिसमें उसको वहां सेवा करने में इतना भाव मिलता है कि जापुर गांव वाले उनको बहुत अच्छा मानते हैं कि हाँ निगम जैसी हमारे को कैंडिडेट मिली है, बड़ा खुशी की बात है। और आज भी जापुर गाँव वाले नीलम जी को नाम सुनते ही बहुत खुश हुए, सारे जितने भी गाँव वाले कहते नीलम जी को टिकट मिल गई है, हमारे लिए तो सोने पर सुहागा है कि उसने हमारे बड़े काम किए हैं, अनेकों काम किए। जापुर गांव में बहुत पिछड़ खराब थी जापुर गांव की, जब वो आई और 10 साल के अंदर बिल्कुल जापुर गांव का उन्होंने नक्शा बदल दिया, और गरीबों के लिए पेंशन, हर गरीब लड़की के लिए, विधवा लड़की के लिए शादी व्यक्ति हेयर चेक, उन्होंने बहुत कार्य, बहुत अच्छे अनेकों कार्य किए। वो कोई भी काम हो, किसी का काम हो, फर्स्ट कमेटी में जाती थी, सीट जाती थी, अपना काम करवा के आती थी, अपना अकेले ही जाना, अगर किसी ने रात को दुख हो जाना, काम पड़ जाए तो रात को अकेले ही चली जाती गाड़ी उठा के। दिन में किसी का काम होता था, मैं मनी बिजी होता था, अपना गाड़ी उठाए, ड्राइवर नहीं है, गाड़ी उठाए खुद पहुंच जाती थी। उसका काम करने का तरीका ही अलग था, उसने सेवा भाव बहुत ज़्यादा है, और आगे भी भगवान करेगा पब्लिक उनको अच्छे वोटर जिताएगी और लोगों की सेवा करती रही। धन्यवाद। अपने लोकप्रिय नेता को टिकट मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए धीरपुर वार्ड नंबर 14 के कार्यकर्ताओं ने इंडिया एवन न्यूज से बात की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बेसिक करैक्टर ही यह है थ्रू आउट इन इंडिया, दिल्ली में भी ये एक बहुत होनेस्ट पार्टी है, ईमानदार लोग हैं इस पार्टी के अंदर, देशभक्त लोग हैं, पब्लिक के लिए डिवोटेड हैं, जो कुछ होकर टिकटें ऐसे नहीं मिलती भारतीय जनता पार्टी की, बकायदा सर्वे होता है, ऊपर से सेंटर की तरफ से जो ना सर्वे होता है, उसके अंदर जो निखर का आदमी आता है सबसे ज्यादा वोट लेने वाला, उसी को पार्टी टिकट देती है। ये भतीजावाद पार्टी नहीं है, फैमिलीवाद पार्टी नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये एक नेशनलिस्ट। सवाल आपसे ये है कि किन मुद्दों को लेकर आप इलेक्शन, इसमें जितने भी MCD से संबंधित, सफाई से संबंधित, रोड से संबंधित, जैसे पिछली बार नीलम बुद्धि राजा जी जब बनी थी, उन्होंने मदर डेयरी बनवाई थी जाजपुर गांव में, ये एक सोशल काम है, लोगों को काफी उसका फायदा मिला, वहाँ कोई डेयरी नहीं थी। इसी तरीके से जितने भी सफाई के मामले हैं जो MCD के अंदर आते हैं, जितने रोड के मामले हैं जो MCD के अंदर आते हैं, कूड़े को उठाने से संबंधित मामले हैं जो MCD के अंदर आते हैं, MCD से संबंधित जितने भी गरीब लोगों को किसी प्रकार से मदद देना, सरकार की तरफ से मदद देना, कोई पेंशन की कोई ऐसी स्कीम आती है तो गरीब आदमी को सबसे पहले प्रेफरेंस देना उसके अंदर, सीनियर सिटीजन की कोई स्कीम आती है उसके अंदर सबसे पहले सीनियर सिटीजन की तरफ रुख करना, मतलब ये जो MCD से संबंधित गरीब आदमी को ज्यादा से ज्यादा कैसे भलाई उस तक पहुंचे, गरीब आदमी तक, ये मेन एम है, मेन इशू है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और इसी इशू को लेकर आगे चलेगी पार्टी। देखिए, नीलम बुद्धि राजा जी भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही कर्मठ जुझारू कार्यकर्ता रही हैं, और उनके कार्यों को और पार्टी के प्रति समर्पण और सेवा भाव को देखते हुए पार्टी ने 2 बार उनको निगम पार्षद बनाया और निगम के विभिन्न समितियों में भी दायित्व दिया, और सिविल लाइन जोन की वो चेयरमैन भी रही। पिछली बार पार्टी ने सिद्धांततः नए चेहरों को उतार के उन्हें अवसर दिया था, और इस बार पुनः क्योंकि ये सीट हमारी महिला हो गई और एक सर्वश्रेष्ठ कर्मठ समाज के प्रति समर्पित सेवा भाव और कार्य क्षमता और अनुभव को देखते हुए नीलम बुद्धि राजा जी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी के रूप में घोषित किया। और जैसा कि अभी आपने इस बैठक में देखा, जिसमें सर्व समाज, सभी RWA धार्मिक और सामाजिक संगठन के प्रतिनिधियों ने यहाँ पहुंचकर नीलम बुद्धि राजा जी को अपना आशीर्वाद दिया, स्नेह दिया। पूर्वांचल से जुड़े हुए हैं, पूर्वांचल की नीतियों को लेके जो आम आदमी पार्टी का जो व्यवहार था वो गलत था, तो उसको महत्व नहीं दे रहा था, तो क्या आप बीजेपी से क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, ऐसा है कि आज जो है ना अरविंद केजरीवाल का जो मुखौटा है वो अब धीरे धीरे दिखने लगा है कि आज बुराड़ी, यहाँ पर बगल में बुराड़ी विधानसभा है, 5 सीट वहाँ पर, वहाँ जबकि पूर्वांचली विधायक है आम आदमी पार्टी से, फिर भी 5 के 5 सीट में एक भी पूर्वांचली को टिकट नहीं दिया है।
आज हमारा आदर्श नगर विधानसभा है उसमें एक पूर्वांचली को टिकट मिला है, जबकि यहाँ पर सिर्फ तीन ही सीटें। इन लोगों का जो मोह है वो टूटता जा रहा है। पूर्वांचल समाज जो है हमारा धीरे धीरे बीजेपी की तरफ जो है मूव करेगा। और नीलम बुद्धि राजा जी को लेकर के अगर हम कहें, अगर हम तो ये कहेंगे कि ऐसा लगता है लोगों का, अगर आप देखेंगे कि इतने वोटों से लोग जीत और हार करते हैं, जितने लोग जो है यहाँ पर बधाई देने के लिए आ चुके हैं, तो इससे बड़ा सिंबल क्या होगा। अगर बात करें आदर्श नगर विधानसभा की, तो आम आदमी पार्टी के द्वारा तीनों सीटें एक ही समाज को दी गई, उसके बारे में आप बताएं। देखिए ऐसा है कि उनका अपना अपना सबकी अपनी अपनी नीति है, हम तो सर्व समाज के ऊपर बात कर रहे हैं, और अगर उन्होंने के एक ही समाज को दिया है, मुझे मेरा कोई उनसे नहीं, उनकी नीति है। हमारी नीति ये है कि भाई पंक्ति के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है उस तक हमारा संवाद और हमारा जो भी है वो पहुँचे। अंत्योदय अगर आप हमारा पार्टी का सिद्धांत देखेंगे तो दीनदयाल जी का सिद्धांत, अगर आप हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी का अगर आप देखेंगे, सबका साथ सबका विकास, हम उसको लेकर के चलने वाले हैं। और हमारे साथ में सर्व समाज को टिकट मिला है और सर्व समाज हमारे समर्थन में है। और नीलम बुद्धि राजा जी लेकर के अगर आप कहेंगे, हमें तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल लोग बाग के मुंह से खुद निकल रहा है ब्रांड, नीलम बुद्धि राजा इज ए ब्रांड। तो ब्रांड की वैल्यू है, हर आदमी ब्रांड के पीछे भागता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर तो हमें कोई कंपटीशन ही नहीं दिखाई दे रहा है। चुनाव में भी कोई कंपटीशन नहीं होगा, एक तरफा मुकाबला है। नीलम जी विजयी भव। धीरपुर वार्ड के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला और उन्होंने नीलम बुद्धि राजा को चुनाव जिताकर सिविक सेंटर पहुंचाने की बात कही। मैं प्रीति गुप्ता हूं, जिले में उपाध्यक्ष हूं महिला मोर्चा में, और नीलम दीदी और मैंने पिछले दो ढाई साल से साथ में ही सारा काम किया है, महिला मोर्चा का संभाला है। धीरपुर वार्ड को भी हमने अपनी तरफ से अपने जो भी हमें कार्य मिला है उसको हमने पूरा अथक प्रयास से पूरा किया है, और आज मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी दीदी को फिर से एक बार हमारी पार्टी ने मौका दिया है कि वो MCD के वार्ड नंबर 14 में फिर से कमल खिलाएं, और जो हमारी आपकी झूठी सरकार है और ये झूठा केजरीवाल है, इसको धूल चटाएं। दो बार नीलम जी पहले भी निगम पार्षद रही आदर्श नगर से, अब की बार भी उनको पार्टी ने विश्वास दिखाकर टिकट दिया है, तो क्या कहेंगे। देखिए ऐसा होता है कि संगठन जो है वो सबको देख रहा है, सब पे नज़र है संगठन की, और जो कार्यकर्ता सच्ची लगन से और सच्चे मन से काम करता है उस पर आज नहीं तो कल ज़रूर उसको पार्टी से मौका मिलता है। तो इस बार का चुनाव किस तरह से लड़ेंगे आप लोग और कैसा रहेगा। देखिए चुनाव जो है इस बार का या किसी भी बार का हो, जीत हमारी तय है। और आज यहाँ जो उमड़ा है जन सैलाब, आप देख सकते हैं कि कितने सारे कार्यकर्ता जो है वो आज नीलम दीदी के समर्थन में यहाँ खड़े हैं। ये घर घर गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर भाजपा का झंडा फहराएंगे, और साथ ही साथ ये एक एक व्यक्ति से संपर्क करेंगे, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो युवा हो, चाहे हम महिलाओं से बात करेंगे, हर तरह से जो भी है सब लोग इस केजरीवाल की झूठी नीतियों से और इसके झूठी रेवड़ियों के बांटने के से बहुत परेशान है, और सभी चाहते हैं कि MCD में फिर से एक बार भाजपा की सरकार बने। एक भारी जन समर्थन नजर आ रहा है, तो अपने कार्यकर्ताओं के लिए और लोगों धीरपुर वार्ड के लोगों को क्या कहेंगे आप। देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे वार्ड से सारे कार्यकर्ता जो हैं, एक एक कार्यकर्ता अपने आप में इतना दमखम रखता है कि वो ना सिर्फ जीत दर्ज करवाए बल्कि अपने ओपोनेंट को या अपने सामने वाले को धूल चटा दे। ये बात बिल्कुल 100% जायज़ है। आज नीलम दीदी खड़ी हैं तो इसलिए नीलम दीदी का नाम हो रहा है, लेकिन हम सब अपने आप में एक एक नीलम दीदी हैं, सब लोग हम एक एक नीलम दीदी हैं, और सारे के सारे कार्यकर्ता अपने आप में इतने सक्षम हैं कि जीत को जो है वो अपने पास अपना परचम जो है हम फहरा सकते हैं, और कमल को पूरी तरह से इस वार्ड में खिलाएंगे। वार्ड नंबर 15 पड़ता है, पर हमारा बूथ 78 नंबर बूथ 14 नंबर वार्ड में डाल दिया गया है, तो मैं यहाँ का पुराना कार्यकर्ता हूँ। और नीलम जी को टिकट मिल गया, इस पर क्या कहेंगे। नीलम जी ने दो बार पहले भी मजलिस पार्क में काम किया, हम उनके काम से बहुत खुश हैं, और वो किसी तरह की भी मदद हो आधी रात को तैयार रहती हैं, वो जनता की सेवा करने में तत्पर रहती हैं हमेशा। पार्टी ने फिर से एक बार विश्वास दिखाया है उन पर, तो क्या कहेंगे।
पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है, पब्लिक उसका भरपूर सहयोग दे रही है। अर्जुन बिजोलिया देवपुर गांव से गुरु रविदास सेवा समिति के हम संयोजक हैं। ये हमारे जोगिंदर सिंह है, ये प्रधान है, ये हमारी पूरी टीम खड़ी है देवपुर गांव से, और हम बहुत अच्छा कार्यक्रम करेंगे और बहुत बढ़िया करेंगे। हम अब जितना भी हमारे जाटव समाज से देवपुर गांव से हम जो है नीलम बुद्धि राजा जी को हम जिता के भेजेंगे। सर आप क्या कहेंगे? जीता ही नहीं, वैसे तो किस तरह का जन समर्थन मिल रहा है आपके पास? बहुत ही ज़्यादा है बीजेपी को, और हमारे साथ है सभी, पूरे गांव वाले सभी साथ में, पूरा देवपुर गांव हमारे साथ है, और आगे भी हम काम करते आए हैं। शुरू से काम करते हमें 20 साल हो गए, काम करते करते हम तन मन धन से पूरा जो है अपनी बहन की नीलम बुद्धि राजा को बिल्कुल तन मन धन से पूरे जोर शोर से शिफ्ट सेंटर में लेके आएंगे। अबकी बार जिताना है नीलम जी को, अबकी बार नीलम जी को जिताना है और कीमत पर जिताना, अब खूब मेहनत करनी है, अच्छी तरह से जुड़ना, एक एक वोट घर घर से हमें निकाल के लाना है बीजेपी के लिए। गांधी विहार में हमने उनका स्वागत के लिए उनको बुलाया था, तो वहाँ पर इतना जन सैलाब था कि भाई साहब हमारे पास आए थे, उन्होंने देखा था कि इतना जन सैलाब था वहाँ पर, ये समझ लो कि आज जीत उनकी निश्चित है। जिस दिन इलेक्शन होगा उस दिन आपको समझ लो सिर्फ यही अलाउंस होना है खाली कि जीत होनी है उनकी, जीत उनकी आज ही निश्चित है। सबसे पहले तो मैं नीलम दीदी को बधाई देना चाहूँगा, और ये सभी कार्यकर्ताओं के लिए, युवाओं के लिए हर्ष का विषय है कि नीलम दीदी जी को टिकट दिया गया। नीलम दीदी एक जमीन से जुड़ी हुई कार्यकर्ता रही हैं और अपने पिछले 10 साल के कार्यकाल में बहुत काम किया है। जब बीच में 5 साल वो नहीं थी तो वहाँ की जनता ने खूब मिस किया उनको कि भाई नीलम दीदी जी ने कार्य किया है वो आज तक कोई नहीं कर सका है, और नीलम दीदी को जो दोबारा टिकट दिया गया है इससे हर तबका के लोगों में खुशी है और जीत की लहर है, वो जरूर चुन के आएंगी। धन्यवाद। सभी छोटे से बड़े की बात सुनती थी वो अपने जब वार्ड में निगम पार्षद चुन करके आई थी, उस पर क्या कहेंगे? वो सबकी सुनती थी, चाहे वो पूर्वांचली हो, युवा हो, रेड़ी पटरी हो, किसी भी समाज का हो, वैश्य समाज का हो, पंजाबी समाज का, सबकी वो सुनती थी, सबका मान सम्मान रखती थी, सबके लिए उन्होंने काम किया है। मेरा नाम सुभाष झा है और मेरे पास में जिले में प्रवक्ता का दायित्व है। देखिए आज का अगर आप ये माहौल देखेंगे, कैमरे को उस तरफ करिए, तो आपको लगेगा कि भाई जो हमारा जो कार्यकर्ता है ना उसके अंदर इतनी एनर्जेटिक, नीलम बुद्धि राजा जी को टिकट देने से इतना एनर्जी लग रहा है कार्यकर्ताओं के अंदर, उसको लग रहा है कि भाई ये सर्व समाज का उम्मीदवार हो, कोई एक व्यक्तिगत उम्मीदवार नहीं, सर्व समाज का उम्मीदवार हो। उनका काम भी लोगों ने देखा है, ये भी बड़ी बात है। उनका काम जो देखा है आज अगर देखेंगे, अगर आप तो हर किसी को जो है ना कहता है कि भैया पवन शर्मा जी का कि भैया काम नहीं करते, लेकिन अगर आप नीलम बुजरा जी के बारे में जाएंगे, आप आजादपुर गाँव जाइए, चाहे आप धीरपुर जाइए जहाँ का पहले निगम पार्षद रह चुकी हैं, वहाँ पर लोग कहते हैं कि भैया कामों की बयार अगर बढ़ी ना तो नीलम बुद्धि राजा जी के टाइम पर बढ़ी, इसमें कोई दो राय नहीं है, इनका जीत जो है निश्चित है और ह्यूज मार्जिन से जीतेंगे, ये बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीतेंगे और बिल्कुल जीत पक्की है, बस ऐलान होना बाकी है। दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 से घोषित होने के बाद सभी पार्टियों के प्रत्याशियों को टिकट का इंतजार था, लेकिन अब धीरे धीरे टिकट भी कंफर्म होता नजर आ रहा है। उसके बाद प्रत्याशी चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगे। दिल्ली नगर निगम चुनाव धीरपुर वार्ड नंबर 14 की भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नीलम बुद्धि राजा के साथ खास बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देश विदेश, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, व्यापार, बाजार, अपराध और फिल्मी दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया एवन न्यूज़।